हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं चटर्जी और आप लोग आवाज एंड टेक्निकल किंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो आप लोग थंबनेल में देखे हैं, टाइटल में देखे हैं, कैसे अपने एंड्रॉइड सेट को यूज करके आप लोग एक प्रोजेक्टर बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा और उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट भी लगता है, मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स दे दूंगा और ये एकदम 100% वर्किंग होगा। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोग को प्रोसेस में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये मोबाइल को आप लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वॉल पे तो ये बहुत ही मतलब कि कमाल की बात है। तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, नहीं समझ आए तो वीडियो को बैक प्ले करके देखें। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल नए हैं तो चैनल के बटन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल का जो भी वीडियो है उसको अगर आप लोग वॉल पे या अपने मतलब कोई भी व्हाइट सा मतलब बोर्ड पे या फिर कहीं पे अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसको ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज है आपका ये सू का डब्बा। ये जो सू का डब्बा है इसका बहुत ही यूज है, यही मेन यूज है, इसको चाहिए। और चाहिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत है। थर्ड आपका फेविकॉल या फेविस्टिक। फोर्थ आपका नाइफ एंड और आपको कुछ कुछ जो सामान लगेंगे आपको मैं डिटेल्स में बताते टाइम बता दूंगा सारा सामान। ये आपका मेन जो आप लोग को इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मेन जो आप लोग को सामान चाहिए और मैं आपको बता दिया। अब बताते हैं आप लोगों को प्रोसेस, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है। तो ये जो सू का डब्बा है इसको आप लोगों को सबसे पहले इसका जो यहाँ पे ये सब जो पार्ट्स होते हैं, ये सब जो इसके मटेरियल होते हैं, ये सबको अच्छे से फेविकॉल से इस तरह से चिपका देना है। इस तरह से इस जगह पे ग्लू लगा के इसको चिपका देना है। और जो नीचे वाला जो बेस है ये देखिए उतना अच्छा एकदम फाइन प्लेट नहीं है, इस पे भी ग्लू लगा के अच्छे से एक पेपर से चिपका देना है ताकि पूरा का पूरा बॉक्स एकदम इक्वल साइज में एकदम प्लेन पूरा कॉम्पैक्ट लगे। और फिर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को सेकंड स्टेप बताता हूँ। सेकंड स्टेप में आता है आप लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का जो ये आपका जो हैंडल है, इसको जो पकड़ने वाला पार्ट है इसको काट लेना है और ये जो गोल भाग है इसको इस पोर्शन में लगाना है। इस पोर्शन में लगा के एक कंपास से ड्रॉ कर लेना परफेक्ट सर्कल में। उसके बाद इसको ये जो आप लोग मार्क जो कर लेंगे, फिर इसको अच्छे से एक सॉलिड मटेरियल में रख के इस गोल पार्ट को अच्छे से काट लेना है। कुछ इस तरह से एक बड़ा सा होता है गोल होगा आपके मैग्नीफाइंग ग्लास के साइज में, इसको काट लेना है। इसको काटने के बाद आता है आपका आपका जो फेविकॉल से इस मैग्नीफाइंग ग्लास को जो आप लोग इसको सर्कल को जो काट के रखे हैं इसको यहाँ पे चिपका देना है। इस तरह से आपको चिपकाने के बाद आप लोग को जो अपना फोन है उसको इस जगह पे ऐसे करके फोन को इस जगह पे एडजस्ट करना है। तो फोन तो इस जगह पे एडजस्ट होगा नहीं, मान लीजिए पैकेट का साइज बड़ा रहता है, जैसे मेरा देखिए एडजस्ट हो चुका है, मैं इसको कहीं भी मूव करूंगा, लास्ट में भी बीच में भी, तो ये फोन कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देख सकते हैं, अगर आपका एडजस्ट ना हो तो आप लोग साइड का पार्ट को सील करने के लिए थर्माकोल का यूज कर सकते हैं। तो थर्माकोल से आप लोग इसको टाइटली पैक कर देना है। अब फिर ये जो ढक्कन है इसको अच्छे से प्रॉपर्ली पूरा एकदम पैक कर देना है ताकि कहीं से भी बाहर का लाइट ना घुसे इसके अंदर। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो मैग्नीफाइंग ग्लास का जो पोर्शन रहेगा सिर्फ यही इसी से सिर्फ जो ब्राइटनेस का लाइट बाहर आए। और आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका जो फोन का जो ब्राइटनेस है वो एकदम फुल रहना चाहिए। तो आपका फोन का ब्राइटनेस को एकदम फुल कर लीजिएगा, फिर आप लोग को एक व्हाइट साइड बोर्ड या फिर फुल्ली मतलब कि सिंगल कलर बोर्ड पे आप लोग रूम अंधेरा कर लेना है। और फिर जब आप लोग का ये जो फोन को यहाँ पे जो वीडियो चलाइएगा उसको यहाँ पे चेक करना है कि वो वॉल में वो उस बोर्ड में फिट आता है या नहीं। तो अगर आपका फिट ना आए तो आप लोग को ऐसे करके एडजस्ट करना है। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आप अगर फोन को इस जगह पे एडजस्ट किए हैं इस पैकेट के अंदर और आपका वो जो लाइट है ठीक तरह से लास्ट तक नहीं जा रहा है, तब फिर आप लोग को फोन को हल्का से पीछे करना है। फिर भी अगर नहीं होता थोड़ा सा बीच में करना है। तो इस हिसाब से आप लोग को एडजस्ट कर लेना है ताकि पूरा एकदम जो वीडियो है, पूरा जो फोन का जो वीडियो है वो उस मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा पूरा का पूरा एकदम उस जो बोर्ड में जो प्रोजेक्टर में आप लोग जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उस लाइट को वो एकदम परफेक्टली हो। और दोस्तों ध्यान रखें, उस पैकेट को अच्छे से सील कर लीजिएगा ताकि एकदम बाहरी लाइट उसके अंदर ना जाए और रूम को एकदम अच्छे से अंधेरा कर लीजिएगा ताकि परफेक्ट लाइट परफेक्ट उस वीडियो का
जो रिफ्लेक्शन है वो परफेक्टली एकदम उस वॉल पे जाए। और दोस्तों अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट करके बताएं, और भी आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को जानना चाहते हैं, कुछ अपना सजेशन से जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि ये सिंपल से ट्रिक्स एंड्रॉइड का यूज करके, स्मार्टफोन का यूज करके आप कमाल की कमाल धमाल भी कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्टर बना सकते हैं मोबाइल को। दोस्तों हमारे चैनल नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर क्लिक करें। बाय बाय, कीप लर्निंग, बी द किंग ऑफ योर ओन किंगडम।